नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द मोर्चा पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट अमित ठंडा। दोस्तों, जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, वैसे तो धमाका दिवाली पे होता है, लेकिन अब की बार जो धमाका है वो दशहरे पे हो गया है। और जो धमाका है वो हुआ है इलाहाबाद में। जिस व्यक्ति का इंतजार पूरा इलाहाबाद कर रहा था, हर पार्टी के रेडी, चाहे वो इनेलो हो चाहे वो बीजेपी हो, तो उन्होंने अपना जो फैसला है वो सुना दिया और चौंकाने वाला फैसला उन्होंने किया है। हमारे साथ मौजूद है भरत सिंह बेनीवाल, जिन्हें लोग आज भी विधायक कहते हैं, विधायक न होते हुए इतना सम्मान करते हैं उनका कि आज भी विधायक उन्हें बोलते हैं। तो भरत सिंह बेनीवाल हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी, स्वागत आपका। नमस्ते जी, आपका भी स्वागत है जी। विधायक जी कैसे हो? बहुत बढ़िया विधायक जी। पूरा इलाहाबाद हर पार्टी आपके फैसले का इंतजार कर रही थी कि भरत सिंह बेनीवाल क्या फैसला लेते हैं, और आपने फैसला ले भी दिया, तो वो बताइए जनता को कि देखिए फैसला जनता ने लिया है जी। जनता ने कहा भी आप कांग्रेस की मदद करनी है जी, तो कांग्रेस की मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। विधायक जी, नाराजगी आपकी चल रही थी, चौथी बार आपकी टिकट के लिए, बहुत सबसे पुराने कार्यकर्ता आप रहे हो, और जो अभी अभी सम्मिलित हुए हैं बीजेपी से, आपकी पार्टी में आए हैं और उनको टिकट मिल गई, तो कहीं ना कहीं अंदर तो कुछ ना कुछ वो आ गया। मेरे अंदर नहीं, जनता के अंदर है जी। जनता रो रही है उस बात का जी। जनता यहाँ पिछली बार कटी थी, उसमें भी हमारी पार्टी कमजोर हो गई जी, तो हमारे लोग यहाँ इनोलो के दबाव में रहते हैं जी, उनका गिरे जिला है। अगर कांग्रेस इकट्ठे होते हैं फिर टिकट गिरती जाती है, तो फिर वो आपकी कोई मेजोरिटी रख नहीं पाते जी, तो वो आपकी मेजोरिटी इकट्ठी करते हैं जी, और उसके बाद में टिकट गिर जाए फिर गिरी जाती है, तो वो कांग्रेस को नुकसान होता है। तो हम भी जैसे गाँव में जा रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो भरत सिंह बेनीवाल का नाम अगर हम बात करें तो वो सामने आ रहा था बार बार कि अगर भरत सिंह बेनीवाल को टिकट मिल जाती तो माहौल कुछ और होता, गर्मराहट कुछ और होती। लेकिन लोगों ने मन बना रखा था, पहले हम वोट मांगते थे एक एमएलए के जी, अब वो मांगते थे मुख्यमंत्री के जी, तो उनका हमारा बहुत फर्क रहता था बात का जी। वो 90 में मेन आदमी होते, 90 हम एक होते थे जी, तो हमारा चुनाव थोड़ा बहुत लूज होता था। एक बार मैं पहली कानवे चुनाव लड़ा था अपने, उसमें हम 6,000 से रह गए थे जी, 22 लाख अभय सिंह टुडाले के सामने लड़ा था जी, उसमें हम 6,000 से रहे थे। तो उसके वहाँ ये है ना कि वो कहते हम मुख्यमंत्री बनेंगे, अरे एक सोते मुख्यमंत्री से सब काम ले सकते हैं जी, एमएलए से कुछ काम इतने हो नहीं पाते, तो वो फर्क रहता है। जब इनकी सरकार आती है लोगों को तंग की है जी, वह भी है लोगों को जी, तो कहने का मतलब हम लोगों को इकट्ठे करते हैं जी, और इकट्ठे करने के बाद हमारी टिकट गाड़ी चौथी बार कटी है जी, तो उसमें फिर मायूस रहते हैं लोग। तो ये मायूसी थी आपकी, आप नाराज थे, अभी जो सारे जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो गए हैं आपके? मेरे भी गिले शिकवे, जनता का गिला सूखा कुछ दूर हो, कुछ करना पड़ेगा जी। बड़ी बात भरत सिंह बेनीवाल ने की है कि जो गिले शिकवे थे कुछ दूर हो गए हैं, लेकिन कुछ अभी बाकी है, तो दिल में वो कसक है, वो जो टिकट नहीं मिलने की अभी भी बाकी है, तो मेरे नहीं है, जनता के है, जनता को लोगों के कुछ दूर हो गए, मेरे दूर हो गए जी, तो मेरी हाईकमान से बात हो गई है जी, मेरा दूर हो गया, मेरा कोई गिलवा शंका नहीं है, जनता के मतलब जनता का तो मैं कर रहा हूँ, जनता मेरे खातर कर रही है, तो जनता कुछ, मैंने कल मीटिंग ली थी जी, कल गिला सुखा दूर किया है जी, कुछ आदमी आ नहीं पाए जी, काम का टाइम है जी, ये चुनाव बड़े काम के टाइम, अगर एक महीने पहले होता है या एक महीने बाद में होता जी, तो इसका और देख लेंगे नजरिया आता जी। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोगों में कंट्रोल कर रहे हैं, जितना कंट्रोल हो सके ज्यादा से ज्यादा हम कांग्रेस उनको रोकेंगे, कांग्रेस को बोल देंगे जी। कयास लगाए जा रहे थे कि भरत सिंह जो बेनीवाल है तुरुपका इक्का साबित होंगे, जिस और करवट लेंगे वहां उसी तरफ इलेक्शन चेंज हो जाएगा, इलेक्शन का मूड बदल जाएगा। तो बेनीवाल साहब, अभी किस तरह से आप प्रचार करोगे कांग्रेस के लिए, उनके साथ जाके करोगे या अलग से प्रचार करोगे? मैं हाईकमान के साथ जाऊंगा जी, हाईकमान में जाके प्रचार। अभी घूम रहे हो आप, क्या माहौल इलाहाबाद के अंदर लग रहा है?
मैं घर से बाहर नहीं गया अभी तक जी, मैं घर पर ही हूँ। घर पर तो अभी स्टार्ट करोगे आप? हाँ स्टार्ट, हाई कमांड कह गई थी मैं स्टार्ट कर दूँ। अच्छा तो क्या लगता है आपकी बात, आपको चुनावी सरगर्मियां, चुनावी माहौल, क्योंकि अगर हम बात करें इनेलो पार्टी की तो अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के चलते इस्तीफा दिया है। वो कोई बात नहीं है, किसान वाली बात होती थी पहले इस्तीफा देता, ये तो बस ऐसे आपकी हवा बनाने के लिए दिया था और वो हवा नहीं बना पाया, ये बातों फंस गया, इस्तीफा दे के ये गलत हो गया। वो इसने हवा बनानी थी भी मैं कह दूंगा मैं इस्तीफा दे दूँ लोगों की हमदर्दी हो जाएगी, तो ये जो बातें बटोर रहे थे लोगों को बटोरे नहीं जाएगी। वो बात नहीं है कि क्यों इन्होंने लोगों को कह रहे मैं 26 जनवरी के बाद दे दूंगा, इसलिए सोचा 26 जनवरी को समझौता जाएगा जी। ना तो सरकार मानी ना किसान माने, वो बीच में लगे फिर ये बात में पकड़ा गया, पकड़ा गया इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा दिया था किसानों के लिए, फिर इसको जरूरत क्या इस कैंडिडेट बनने की, किसी और को देता टिकट जी, और को लड़ाता जी, यदि ये तो ये इनको राहत ही है, ये खाली नहीं रह सकते, मजबूरी में खाली होंगे। अब इनको जनता इसके बुलावे नहीं आएगी जी, इसकी नब्बे में एक सीट है जी, 85 सीटों में सारी खो पाए, पिछली बार 90 में एक जीत पाए जी, इनके पल्ले दुकान में सामान रहा नहीं है जी। तो बेनीवाल साहब कांग्रेस को कहां देखते हो? कांग्रेस देखो हम तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, 2-4 दिनों में वो राउंड निकलेगा, फिर आपको बता चुका कांग्रेस यहाँ खड़ी है, फलानी पार्टी यहाँ खड़ी है, ये माहौल का पता लगेगा। अभी तो मैं गए ही नहीं, ना कांग्रेस ने पूरा दौरा कर लिया, ना वो टूटा लेने का लिया, ना भारतीय जनता पार्टी ने दौरे निकाले हैं, उनका भी विरोध हो रहा है कई गांवों में, तो वो कहने का मतलब वो पूरा दौरा काट पाएगी ना, फिर लोग मन बनाएंगे, फिर मन बनाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया जी, थैंक यू। तो ये थे आज हमारे साथ भरत सिंह बेनीवाल, जिनका पूरा एलनाबाद बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और हर पार्टी चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो इनेलो हो कि भरत सिंह बेनीवाल क्या फैसला लेते हैं, तो इन्होंने धमाका कर दिया है। वैसे तो आमतौर पर धमाका दिवाली पे होता है, लेकिन दशहरे पे इन्होंने धमाका कर दिया, और इन्होंने जो साथ है वो इन्होंने कहा है कि मैं जो कांग्रेस पार्टी है, आला कमान है, हाई कमान, उनके साथ हूँ, और जहाँ पे वो बोलेंगे वहाँ पे मैं जाऊँगा और लोगों से बातचीत करूंगा, मिलूंगा जुलूंगा, और कांग्रेस के लिए मैं प्रचार करूंगा। तो इस वीडियो को आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और एलनाबाद की हर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए आप ज्यादा से ज्यादा दाम मोर्चा चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जल्दी मिलवाते हैं किसी और कद्दावर नेता से, तब तक के लिए दीजिए मैं विदा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।